सीपीएम के जनरल सेक्रेटरी सीताराम येचुरी ने दिल्ली के जंतर मंतर पर खवातीन के रिजर्वेशन बिल को पास कराने के मकसद से किए गए भूख हड़ताल में शिरकत करते हुए इसकी हिमायत का ऐलान किया। येचुरी ने एहतजाज का इफ्तिताह करते हुए वजीर आजम नरेंद्र मोदी को याद दिलाया कि उन्होंने कहा था कि पार्लियामेंट और असेंबलियों में खवातीन के लिए 33% नशिस्तें अलॉट करने वाले बिल की मंजूरी एक तरजीह थी, लेकिन उनकी पार्टी ने मुजवजा कानून साजी को दोबारा पार्लियामेंट में पेश करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया। उन्होंने कहा कि वो खवातीन के रिजर्वेशन की जद्दोजहद में हिस्सा लेंगे। उन्होंने कहा कि जब तक खवातीन की शराकत नहीं होगी, मुआशरा आगे नहीं बढ़ेगा। कविता जी ने आज एक बहुत अहम कदम उठाया और भारत जागृति ने और भारत राष्ट्र समिति ने कि ये महिला आरक्षण के लिए समानता जो राजनीतिक क्षेत्र में जो जरूरत है, हम एक आश्वासन देने आए हैं यहाँ पर इनको कि जब तक ये आरक्षण बिल नहीं आएगा, पारित नहीं होगा पार्लियामेंट के अंदर, तब तक मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी और वामपंथी आपके साथ खड़े रहेंगे, आपके साथ लड़ते रहेंगे और ये हमारा वादा है, हमारा संकल्प है। क्योंकि हम मानते हैं कि कई सारे मतलब इसके अंदर कोई विश्लेषण करने की जरूरत नहीं है। आज अफसोस की बात यह है कि तकरीबन 3 दशक हो गए चर्चा हो रही है महिला आरक्षण के बारे में, सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक महिलाओं को दी नहीं जाएगी, किसी भी मुल्क का विकास हुआ नहीं ना होगा। और महिलाओं को आरक्षण देने का मतलब ये नहीं है कि उनको कोई सिर्फ रिप्रेजेंटेशन दे रहे हो आप, लेकिन उनकी भागीदारी चाहिए। जब तक महिलाओं की भागीदारी पूरी तरीके से नहीं होगी, किसी समाज का किसी अर्थव्यवस्था का विकास कभी हुआ नहीं किसी देश में ना हो पाएगा। तो हमारी पार्टी की और बीआरएस के साथ कविता जी के साथ हम पूरा सहयोग के साथ हम ये कहेंगे कि हमारा दबाव रहेगा इस सत्र के अंदर इस बिल को ले आना और इसको पारित करवाने का, और इसके पास ये हमारा संकल्प है, हम प्रतिबद्ध हैं। क्योंकि और जैसे मैं कह रहा था विश्लेषण करने की जरूरत नहीं है, आज 14% है हमारे लोकसभा में महिला, 11% है हमारे राज्यसभा में महिला। बहुत संघर्ष के बाद आपने महिला आरक्षण दिया आपके पंचायती संस्थाओं में, अगर वहां पे आरक्षण दिया जा सकता है तो असेंबली और पार्लियामेंट में क्यों नहीं। और जो भी सवाल है यहां पे है कि महिला आरक्षण के अंदर जो आरक्षण आज है अलग अलग समुदायों के लिए, उस आरक्षण को भी महिला आरक्षण के अंदर शामिल कर रहे हो, ठीक है, इस बात के ऊपर विचार हो सकती है, लेकिन इसके चलते हुए इस कानून को आप रोक नहीं सकते हो।